मैं नीरज शुक्ला बलमोड़ निवासी हूँ और यहाँ मैं अपनी मम्मी के वजह से आया हूँ। मेरी मम्मी पिछले 2 वर्षों से यहाँ आ रही, उनके पैर में तकलीफ था और मम्मी को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था, तो मम्मी जब से आना चालू की तो उनके पैर में काफी आराम उनको महसूस होने लगा। तो मेरे को बार बार बोलती थी कि तू भी चल, मेरे को कमर में तकलीफ था थोड़ा, तो मैं कह रहे हो गया मैंने जमीन तो ब्राउन करता हूँ। मम्मी मेरे को बार बार प्रेस करती रही और अंत में हुआ कि मेरा तकलीफ पीठ का बहुत बढ़ गया और डॉक्टर के पास गया मैं, तो डॉक्टर बोले कि मेडिसिन आपको 3-4 महीने लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो मैं मेडिसिन लिया कुछ दिन तक कि मम्मी के बोले मैं यहाँ ज्वाइनिंग के मैं क्या चलता हूँ, एक दिन दोबारा के देखता हूँ। तो जब फर्स्ट डे में आया यहाँ पर मेरे ख्याल से 10 या 11 अप्रैल था, सेकंड लॉकडाउन को 2 दिन पहले, तो फर्स्ट डे ही मुझे ये महसूस हुआ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। मेरे को पहले दिन मेरे को ऐसा लगा कि पहले दिन मेरे को आराम मिला, पीठ में तकलीफ था तो मैं आरएल में शायद गया था, याद है मेरे को आरएल में लेटा मैं, तो 30-35 मिनट के बाद मेरे को लगा रही, अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मेरे को इसको अब जारी रखना चाहिए। उसके बाद 10-11 अप्रैल के बाद से फिर 2 दिन बाद लॉकडाउन हो गया, उसके बाद 2 जून से मैं कंटिन्यू, आज समझ लीजिए 4 महीना हो गया मेरे को, और 4 महीने में जो मेरा पीठ का जो दर्द था उसमें 60-70% का आराम है। पीठ का दर्द तो मेरा लगभग गायब ही हो गया है, पीठ दर्द ठीक हो चुका है, लेकिन उसके बाद में एक बात कहना चाहूंगा कि पीठ दर्द तो ठीक हो गया है लेकिन भविष्य को कोई नहीं जानता है। मैं ये चाहता हूँ कि भविष्य में कोई बीमारी ना हो मुझे, इस वजह से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं मतलब भविष्य को देखते हुए आ रहा हूँ कि भविष्य में कुछ होना मेरे को, तो मैं इसको सेरेजी में कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। और बाकी लोगों को ये बोलूंगा कि आप स्वस्थ हैं तो भी यहाँ आइए, और अस्वस्थ है तो आपको आना ही पड़ेगा। कुल मिला के आप सेरेजी में आइए तो सारा बीमारी जो आपको दिख रहा है वो भी ठीक होगा और जो नहीं दिख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। फाइनली ये है कि यहाँ आने से मेरे को बहुत आराम है और मैं मेरी मम्मी पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूअस है, पूरा 120 दिन हो गया हम लोग, इसमें बस 2 दिन गैप किए होंगे, शादी में गैप था और ये 4 महीने का अनुभव बहुत अच्छा था मेरे साथ। मैं दोस्तों को भी शेयर करता हूँ लेकिन लोग भरोसा नहीं करते हैं, जल्दी सोचते हैं क्या से मैं लोगों को शेयर करता हूँ, अरे कहाँ से कहाँ, मतलब कुछ अभी लोगों को इतनी जागरूकता नहीं है इस तरह जिनके प्रति, लेकिन अपने को प्रयास करना है कि उसको अपन आगे बढ़ाएं और लोगों को भी शेयर करें कि यहाँ वास्तव में यहाँ कोई किसी को पैसा दे के सिखा नहीं रहा है कि तुम बोल देना तुम ठीक हो गया, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आप आइए और खुद अनुभव कीजिए। मेरा दावा है कि आपको हफ्ते से दस दिन के अंदर ये महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है, ये खुद ही से आपको महसूस होगा कि आपके शरीर में कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। बस यही कहना चाहूंगा सभी लोग आइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए, थोड़ा प्रयास कीजिए। मेरी मम्मी मेरे को पिछले 2 वर्षों से प्रयास कर रही थी, मैं इतना पढ़ा लिखा और जागरूक आदमी मैं नहीं आ रहा था, अरे छोड़ो यार मैं ग्राउंड जाता हूँ, ग्राउंड बहुत मजा आता है मेरे को, मैं ग्राउंड नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन मम्मी बोली तुम चलो, फिर अंत में तकलीफ पड़ा मेरा तो अंत में आना ही पड़ा मेरे को, और मम्मी के बोलने से आया मैं और आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद।